नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानु टीवी। नित्यानु टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। बिहार के गया जिला के स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बताया कि बिहार सरकार बालू एवं शराब बंद होने के कारण भी आनंदपुर जो प्रखंड बेलागंज है, फिर भी गया जिला के प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन स्वराज पार्टी के समर्थकों ने हल्ला बोला। जिला प्रशासन का नारे लगाते हुए फतेहपुर गया बिहार से संजय प्रसाद की खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्वराज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं और बच्चियों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। पंद्रह तारीख को गया जिला प्रशासन के द्वारा बेलागंज के आहतपुर गांव, आप लोग सभी मीडिया भाई सोशल मीडिया पर चला था उस समय आप लोग भी सब जानते हैं। पुलिस ने वहां जाकर के बालू माफिया को संरक्षण देती है और वहां की माताओं बहनों जिस तरह से पीछे हाथ बांध करके पुलिस ने वहां की बेटियों को जो जेल भेजा है, उसमें टेंडर एज की जो कि 18 वर्ष से कम लड़कियों को जो अन्याय किया, जो वहाँ नंगा नाचा पुलिस ने, वहाँ घर में घुस करके महिलाओं को बक्सा तोड़ा और बक्सा तोड़ करके उसमें से पैसा निकाला, गहना निकाला, इतना ही नहीं उन लोग को जेल भेजा गया। यह जो तानाशाही चल रही है और बालू माफिया के साथ सरकार खड़ी है, इसका विरोध स्वराज पार्टी कर। आज हम लोग गया जिला में आज हम सांकेतिक यह प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेतती है, वहाँ की महिलाओं जो निर्दोष है, जो जेल में बंद है, सरकार अगर केस वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगे राजधानी की ओर मार्च करेंगे। और यह स्वराज पार्टी मांग करती है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी एक थानेदार रहे हैं, उन्होंने भी 16 साल के नौकरी किया है और सब जानते हैं कि एक ईमानदार आदमी जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। मैं पुलिस भाइयों से आग्रह करता हूं कि गलत कभी भी गलत आप मत करें। अपना परिचय दीजिए। मैं स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष नंद किशोर यादव।